हेलो फ्रेंड्स, मायापुरी न्यूज डे के प्रोग्राम वीकेंड एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं सिमरन। आइए देखते हैं इस हफ्ते की एंटरटेनमेंट न्यूज फटाफट। शमशेरा में रणबीर कपूर। फिल्म शमशेरा में रणबीर का किरदार पहले से काफी अलग होगा। रणबीर कपूर ने बताया है कि वास्तव में ये किरदार काफी आक्रामक, तीव्र और गुस्सैल है। 18वीं सदी पर बेस्ड इस फिल्म में रणबीर कपूर डकैत के किरदार में नजर आएंगे। नाराज हीरोइन ने शेयर की हॉट तस्वीरें। डेमी लेवेटो निक जोनास की अच्छी दोस्त है। प्रियंका चोपड़ा पिछले काफी समय से सिंगर निक जोनास को डेट कर रही हैं। जब निक जोनास और मॉडल ओलिविया का ब्रेकअप हुआ तो डेमी को लगा कि निक उनके पास आएंगे और दोनों डेट करेंगे, लेकिन डेमी की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए प्रियंका बीच में आ गई। इससे नाराज होकर डेमी ने निक को सोशल मीडिया से भी अनफॉलो कर दिया है। न्यूड सीन के रीटेक लेता रहा डायरेक्टर। सैक्रेड गेम्स में एक सीन है, सीन में कुबरा रोते हुए नवाज के सामने खुद को निर्वस्त्र करती नजर आती हैं। एक्ट्रेस ने बताया कि जब वो सीन शूट हो रहा था तब डायरेक्टर अनुराग कश्यप बार बार रीटेक ले रहे थे। वो मेरे पास आकर कहने लगी कि मैं तुम्हें कई बार ये करने को कह रहा हूँ, बस एक बार और। 7 बार शॉट देने के बाद उस सीन की शूटिंग पूरी हुई। टॉपलेस हो करवाया फोटोशूट। हॉलीवुड एक्ट्रेस बेला थोरेन ने हाल ही में टॉपलेस फोटोशूट करवाया है। इसकी एक तस्वीर उन्होंने इंस्टा पर शेयर किया है जिसमें वो टॉपलेस होकर हाथों से अपने प्राइवेट पार्ट्स ढकती नजर आ रही। तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन दिया है आई लव यू। सलमान ने आयुष को दिया धक्का। आयुष शर्मा ट्रेनिंग के दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि सलमान भाई ने मुझे रेत के टीले के ऊपर से धक्का दे दिया। जब वो फिर से ऊपर पहुंचे तो सलमान ने आयुष को फिर से धक्का दे दिया। आयुष को एहसास हुआ कि सलमान चाहते थे कि मैं समझूं कि कैसे लुढ़कना है। आलिया भट्ट ने दी नई जिंदगी। आलिया की जो भी चीजें नीलाम हुई हैं उससे जो भी पैसे इकट्ठे हुए उन्हें कर्नाटक के किकेरी गांव के 40 परिवारों को बिजली देने के लिए इस्तेमाल किया गया है। आलिया के इस नेक काम में बंगलुरु की एक संस्था ने भी मदद की है। उन्होंने गरीब परिवारों की मदद के लिए अपनी कुछ पसंदीदा चीजों की नीलामी करने का फैसला किया था। नागा साधु सैफ अली खान। सैफ अपनी अगली फिल्म की तैयारी में लगे हुए हैं जिसका टाइटल हंटर हो सकता है। ये फिल्म 1780 के समय पर आधारित है और सैफ इस फिल्म में एक नागा साधु के रोल में नजर आएंगे। सैफ ने कहा, फिल्म में मैं कपड़े पहनता हूँ, हालांकि मुझे पहनना नहीं चाहिए क्योंकि नागा का मतलब नंगा होता है। फिल्म में मेरा कैरेक्टर एक असफल नागा साधु का है जो बदला लेना चाहता है। ब्रह्मास्त्र से जुड़े नागार्जुन। साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन ब्रह्मास्त्र की शूटिंग के लिए बुल्गारिया पहुंच गए हैं। वहां वो रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी के साथ समय बिता रहे हैं। ये फिल्म का दूसरा शेड्यूल है। फिल्म के पहले शेड्यूल की शूटिंग भी बुल्गारिया में ही हुई थी। नागार्जुन फिल्म के दूसरे शेड्यूल से जुड़े हैं। टमाटर से डरती है कैटरीना। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि कैटरीना को टमाटर से बहुत डर लगता है। इसकी वजह से कैटरीना ने टोमेटो केचप का लाखों डॉलर ऐड करने से भी मना कर दिया था, लेकिन कैटरीना प्रोफेशनल एक्टर्स में से एक है। यही वजह थी कि जब फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में टोमेटीना फेस्टिवल शूट करना था तो उन्होंने फिल्म की जरूरत के हिसाब से सीन शूट करने की हामी भर दी थी। पॉर्न स्टार ने शेयर की हॉट तस्वीरें। पॉर्न स्टार मिया खलीफा इन दिनों अपनी बोल्ड फोटोज से सुर्खियों में छाई हुई हैं। मिया की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर तहलका मचा देती हैं और उनकी हर तस्वीर में एक अलग ही मिजाज होता है। मिया बहुत ही सेक्सी पॉर्न स्टार हैं और उनकी सभी तस्वीरों को लोग बहुत पसंद करते हैं। मिया इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा एक्टिव पाई जाती हैं। मॉडल ने टेनिस रैकेट से छिपाए प्राइवेट पार्ट्स। एक बार फिर से मेगन बार्टन हैंसन ने बोल्ड फोटोशूट से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। मेगन ब्लैक बिकनी पहने हुए कैमरे के सामने पोज देते हुए नजर आ रही। वहीं कुछ तस्वीरों में मेगन ब्रा को उतारे हुए अपने प्राइवेट पार्ट्स पर रैकेट रखे हुए बोल्ड पोज देते हुए नजर आ रही। उनका लुक फैंस के दिलों में खलबली मचा देने वाला है। प्रियंका को मिला एक और प्रोजेक्ट। प्रियंका बहुत जल्द एक अमेरिकन वेब सीरीज में दिखाई देने वाली है। इस वेब सीरीज के लिए प्रियंका का यूएस के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउसों में से एक के साथ बातचीत चल रही है। इस वेब सीरीज को दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। पंगा लेने को तैयार है कंगना। कंगना रनौत जल्द ही अश्विनी अय्यर तिवारी की स्पोर्ट्स ड्रामा में नजर आने वाली हैं। कंगना की इस फिल्म का नाम पंगा होगा। हाल ही में अश्विनी और कंगना ने एक दूसरे से मुलाकात भी की थी। फिल्म की कहानी कबड्डी की पृष्ठभूमि पर बनने वाली है, यही वजह है कि फिल्म का नाम पंगा रखा गया है। हॉट बॉस देती बिनाफ्शा सुनावाला। बिनाफ्शा सुनावाला अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में उन्होंने इंस्टा पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वो बेहद ही बोल्ड अंदाज में दिख रही हैं। दरअसल वो इन दिनों हॉलीडे एंजॉय कर रही हैं। बिनाफ्शा एमटीवी चैनल पर वीडियो जॉकी हैं। उनके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को देखने से ये कहा जा सकता है कि अब उनका फेम किसी का मोहताज नहीं है। मलाइका ने कैंसिल किया शो। मलाइका को एक फैशन इवेंट में परफॉर्मेंस देने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना था। यहाँ मलाइका को डांस नंबर पर परफॉर्मेंस भी देनी थी। मलाइका अरोड़ा ऑस्ट्रेलिया जाने और अपनी परफॉर्मेंस के लिए तैयार थी, लेकिन एक दिन पहले वादे के मुताबिक ऑर्गेनाइजर ने मलाइका के तय रुपए नहीं दिए। ऑर्गेनाइजर के इस रवैये से नाराज होकर मलाइका ने शो पर जाने से मना कर दिया। प्रेग्नेंट हुई सुपर मॉडल।
सुपर मॉडल केट अपटन प्रेग्नेंट है और पति जस्टिन वेरलैंडर से ये उनका पहला बच्चा होगा। दोनों पिछले साल नवंबर में इटली में शादी के बंधन में बंधे थे। अपटन ने इंस्टाग्राम पर अपनी प्रेगनेंसी का खुलासा किया था। इंस्टाग्राम पर डाली तस्वीर में केट मियामी में बालकनी में लाल सूट और सफेद टॉप में नजर आ रही है और इसमें उनका बेबी बम भी दिख रहा है। विराट की एक्स ने बिखेरे जलवे। बॉलीवुड एक्ट्रेस इजाबेल लिटे टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को डेट कर चुकी हैं। इजाबेल ने 2014 में कहा था कि वो विराट कोहली को डेट कर चुकी हैं। उन्होंने कहा था, हाँ हम दो साल तक रिलेशनशिप में रहे, अब हम अच्छे दोस्त हैं। विराट तो अनुष्का शर्मा से शादी कर चुके हैं, वहीं इजाबेल मॉडलिंग कर रही है। मायापुरी न्यूज़ के प्रोग्राम वीकेंड एंटरटेनमेंट में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए मायापुरी कट।